भारत के साथ जहां रूस का तेल व्यापार फल फूल रहा, तो वहीं पाकिस्तान को तेल देने से रूस पीछे हटता नजर आ रहा। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में ऐसी खबरें चल रही कि रूस पाकिस्तान के साथ $60 प्रति बैरल के प्राइस कैप पर लंबे समय के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने पिछले साल दिसंबर के महीने में तेल से होने वाले रूसी राजस्व पर लगाम कसने के लिए रूसी तेल का एक प्राइस कैप तय कर दिया था, जिसके मुताबिक रूस अपने तेल को $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमत पर नहीं बेच सकता। इस प्राइस कैप का मकसद तेल बाजार में तेल की आपूर्ति बरकरार रखते हुए रूस को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइस कैप के भीतर रहते हुए रूस के साथ पाकिस्तान के तेल समझौते के लिए अपनी सहमति दे दी है, लेकिन रूस प्राइस कैप से नीचे पाकिस्तान के साथ समझौता करने को अनिच्छुक है। पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर में मूल सीमा के भीतर रूस के साथ लंबे समय के लिए तेल आपूर्ति समझौते पर बातचीत करने का फैसला किया था। पाकिस्तानी सरकार चाहती थी कि रूस अपने तेल की फ्री ऑन बोर्ड कीमत $60 प्रति बैरल निर्धारित करे। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब बंदरगाह पर ली जाने वाली वास्तविक कीमत से है, जिसमें शिपिंग लोडिंग का चार्ज शामिल होता है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने समझौते में सरकार से सरकार के बीच कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था और इसके बजाय पाकिस्तानी रिफाइनरी लिमिटेड यानी PRL को रूस से कच्चे तेल की खरीद समझौता करने को अनुमति दे दी थी। इसके बाद PRL ने रूस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसके तहत इस साल दिसंबर में पाकिस्तान को रूसी तेल का एक कार्गो शिप मिलने वाला है। PRL ने 1,00,000 टन रूसी तेल के एक कार्गो का आयात किया और उसे सफलतापूर्वक रिफाइन भी किया। जून में हुए इस तेल खरीद से पाकिस्तान को लाभ भी हुआ है। तेल को एक रूसी बंदरगाह से ओमान के जरिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह लाया गया था। हालांकि दूसरा रूसी तेल कार्गो पाकिस्तान आ पाएगा या नहीं, इसे लेकर अनिश्चितता है। इसी साल अक्टूबर में रूसी ऊर्जा फोरम के मौके पर PRL ने रूस से कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए लंबे अरसे का एक समझौता किया था, लेकिन इसे लेकर चल रही वार्ता के दौरान प्राइस कैप के अंदर तेल की खरीदारी को लेकर रूसी पक्ष ने लंबे समय तक इसे शामिल नहीं होने पर इच्छा जताई थी। PRL और रूस के बीच प्राइस कैप को लेकर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए एक रूसी प्रतिनिधि मंडल ने इसी हफ्ते मंगलवार को पाकिस्तान का दौरा भी किया था। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान ऐसे किसी भी समझौते पर सहमत नहीं हो सकता जो प्राइस कैप का उल्लंघन करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लग सकते हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से तेल के खेल में पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।